संतुष्टि मिली कि फीमेल लीड? मैं बिल्कुल संतुष्ट हो जाता हूँ जब फिल्म में पहले पहले नहीं करते थे ना, रोमांस तैयार नहीं होती थी आपके साथ। पिछली फिल्म में भी तो काफी वो हुआ था ना, स्मूच नहीं करने मांग रही थी आपके साथ, आई थिंक स्मूच नहीं करने मांग रही थी आपके साथ, आई थिंक सो। तो क्या कहना चाहेंगे? और शायद इन्हीं की फिल्म थी लास्ट में, क्या बोलो, मैं कुछ समझ में कई मर्तबा आपसे बात हुई, आपने कहा आपको रोमांस करने के लिए मौका नहीं मिलता था, अब आपको रोमांस रील पे रोमांस करने का मौका मिल रहा है। क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि आपने कई बार हम लोग से शिकायत की थी कि आपके साथ रोमांस नहीं करना चाहते हैं, मतलब ये फीमेल लीड, लेकिन अब आपका मौका मतलब रोमांस करने मिल रहा है फिल्म, तो क्या कहना चाहेंगे? उसमें कितना इन्वॉल्वमेंट इवॉल्व हुए हैं आप रोमांस में, फिल्मों में? फिल्मों में किसको अच्छा नहीं लगता? देखो क्या है कि अगर हमें रियल लाइफ में मिलता तो हम तो पूर्ति करते हैं अपना, उसमें फिल्मों में करके काम हो जाता है हमारा, यू नो ये है। नहीं पर अब भले रियल लाइफ में मिले ना मिले, जो हम ऐसी फीलिंग पे चलता है सब कुछ मामला हमारा, हमारा कारोबार ही फीलिंग का है। नहीं पर आपको अब संतुष्टि मिली कि फीमेल लीड? मैं बिल्कुल संतुष्ट हो जाता हूँ जब फिल्म में पहले नहीं करते थे ना, रोमांस तैयार नहीं होती थी आपके साथ। पिछली फिल्म में भी तो काफी वो हुआ था ना, स्मूच नहीं करने मांग रही थी आपके साथ, आई थिंक स्मूच नहीं करने मांग रही थी आपके साथ, आई थिंक सो। तो क्या कहना चाहेंगे? और शायद इन्हीं की फिल्म थी लास्ट में, क्या बोलो, मैं कुछ समझ में चलिए नहीं लेट हिम से ना सर, क्या कहना चाहेंगे लास्ट में? मुझे रोमांटिक सीन्स करने मिल रहा है तो क्या कहना चाहेंगे? रोमांस, हाँ रोमांटिक सीन्स करने मिल रहा है, हाँ मुझे बहुत मजा आता है, सच बता रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे जिंदगी में मिला नहीं था ना जी, अब फिल्मों में मिल जाता है जी, इतना काफी है मेरे लिए, मैं एक्टर हूँ, मैं फील कर लेता हूँ जी, मेरी रियल लाइफ और रियल लाइफ पता ही नहीं चलता मुझे क्या हो रहा है, इतना ब्लर हो चुका है मामला। कुशान वुडी, हाय कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? मैं कैसा दिख रहा हूँ? मस्त। और भाई मेरा ऐसा मानना है कि जब इतनी खूबसूरत लड़की ऐसे आपके पीछे पड़ जाए कि शादी कर लो कर लो कर लो, तो उन्हें अपनी ऐसी बीमारियों के बारे में नहीं गिनाना चाहिए, आप भी मानते हैं ये बात? नेहा जी देखिए स्माइल कर, जब शादी नहीं करनी होती तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में गिनाया जाता है। अच्छा? क्या मैं ये भी लेता हूँ वो भी लेता हूँ वो शोले का एक सीन है ना बहुत अच्छा, कि मेरा दोस्त हो इतना टाइप में, तो यहाँ खुद ही बोल रहा हूँ मैं कि भाई इतना ख़राब हूँ, इससे अच्छी और क्या बात हो सकती, लेकिन वो तब भी पीछे पड़ी हुई है उस फिल्म में, ऐसा दिखाया गया है फिल्म में। अच्छा फिर क्या करेंगे आप फाइनली जब ये पिक्चर? जो शादी ये टॉर्चर है ऐसा फिल्म में दिखाया गया है है ना, आप बताइए तो उससे बचने के लिए क्या क्या जुगाड़ कर सकते हैं, तो उसी के ऊपर है ये फिल्म। ओके एंड नवाज जी, समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ। आया मुझे आ रहा है। नवाज जी ऐसा कोई जुगाड़ आपने किया है लाइफ में किसी किरदार को पाने के लिए कि ये किरदार अगर मुझे मिल जाए इसके लिए आपने कुछ जुगाड़ किया? नेहा जी आपसे भी। किरदार पाने के लिए तो मैंने कभी जुगाड़ नहीं किया। अच्छा, अच्छा। एक बार जुगाड़ किया था ऑडिशन में गया था मैं फोटो लेके, तो यार मैंने ये रोल मिल जाए तो फोटो चलते थे फोटो, और इंस्टा तो था नहीं तब है ना, ट्विटर इंस्टा फेसबुक ये सब थी नहीं, तो फोटो दे देते फोटो और रिज्यूम देते थे अपना, तो रिज्यूम तो मैंने दे दिया हाथ से लिखा हुआ था कि मैं एक्टर हूँ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से हूँ, ये मेरी एज है, ये मैं हूँ। फोटो जब फोटो लेने की बारी आई तो फोटो बोले फोटो दिखाओ, तो फोटो एक पड़ा हुआ था मेरी जेब के पीछे मुड़ा हुआ। हाँ। तो मैंने उसको ऐसे खोलने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन खुलने रहा, वापस फोल्ड हो जा रहा था, फिर खोलूँ फोल्ड हो जा रहा था, ऐसा हो रहा था, तो कैसे कैसे खोल के दिया, उसने देखा मेरा फोटो, उसने बोला दफा हो जा अभी यहाँ से, जिस आदमी के पास फोटो भी नहीं है उसको हम कैसे क्या कर लेंगे उसका, इस तरह का हुआ था एक बार मेरे साथ, तो वो भी जुगाड़ फेल हो गया था, मतलब इस तरह के जुगाड़ किए रोल पाने के लिए बट ऑलमोस्ट सारे फेल हुए। नेहा जी आपका कोई जुगाड़, आपने कोई ऐसा जुगाड़ किया हो जो? ऑडिशनिंग की जहाँ तक बात है हर फिल्म के लिए जुगाड़ करती हूँ, बट आई मीन ऑडिशन करती हूँ, बट सम आर गुड सम आर बैड, आई फील लाइक गॉड्स गॉट अ बेटर प्लान, तो मुझे लगता है कि जो फिल्म आपके नसीब में होती है वो आपको मिल जाती है। वाह क्या बात और जो आपके नसीब में नहीं होता वो आपको नहीं मिलता।
नवाज भाई आपने बताया कि इस बार चॉकलेटी बॉय का किरदार आपको मिला है, वरना डार्क चॉकलेटी बॉय उलाला आपने बताया, तो बताइए कितना खेलने का मौका मिला इस किरदार के साथ में आपको, नेहा जी हैं आप हैं, कितना खेलने का? ऑफ कोर्स बहुत मौका मिला क्योंकि डायलॉग्स भी ऐसे थे, बहुत सारी इम्प्रोवाइज भी हुई चीज, और क्योंकि एक्टर्स इसमें अमेजिंग एक्टर्स हैं सारे, चाहे वो संजय भाई हों और मेरे थे, चाहे वो घनश्याम हों, और इतने सारे एक्टर्स हैं मेरे आसपास के दोस्त ही हैं सारे, तो उनके साथ एक होता है कि एक लगमीमो है या नेहा है, इनके साथ ऐसा होता है एक सिक्योरिटी, एक सिक्योर सा लगता है माहौल कि भाई मेरे से अगर कुछ ऐसा हो गया तो उसको संभाल लेगा वो। कॉमेडी में ऐसा ही होता है कि बहुत सारी चीज़ें स्पॉन्टेनियसली भी निकलती हैं, है ना, तो वो मज़ा तो आया, फन फिल्म थी। और दूसरी बात ये, बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं इंटेंस कैरेक्टर करता हूँ, मैंने अपनी लाइफ में थिएटर के दौरान आई थिंक 150-200 प्लेस जो थे किए मैंने, वो सारे कॉमेडी ही थे। मैं, राजपाल, विजय राज, हम लोगों का ग्रुप था थिएटर के दौरान, हम सिर्फ कॉमेडीज ही करते थे, बट जब मैं यहाँ आया उसको कॉमेडी मिलने लगी, मुझे इंटेंस, मेरे चेहरा देख के मुझे इंटेंस कैरेक्टर मिला था, भाई कॉमेडी में एक्सपर्ट थे हम लोग उस वक्त पे थिएटर के दौरान।